नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर शोषण का आरोप लगाने वाली दो महिला पहलवानों से दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर फोटो, ऑडियो और वीडियो उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कथित तौर पर गले लगाने की एक तस्वीर भी शामिल है, जिसे सिंह ने शिकायत करने वाली एक महिला पहलवान को दिया था। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक यौन उत्पीड़न की ये घटनाएं 2016 और 2019 के बीच कथित रूप से WFI ऑफिस 21 अशोक रोड और विदेश में टूर्नामेंट के दौरान हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 5 जून को महिला पहलवानों को CRPC के धारा 91 के तहत अलग से नोटिस जारी किया गया और उन्होंने जवाब देने के लिए एक दिन का समय दिया है। एक पहलवान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हमारे पास जो भी सबूत हैं हमने मुहैया कराए हैं, हमारे एक रिश्तेदार ने भी पुलिस को वो दिया है जो उन्होंने मांगा था। शिकायतकर्ताओं में से एक की शिकायत के मुताबिक FIR में कहा गया है कि विदेश में एक बड़ा पदक जीतने के बाद सिंह ने उसे 10 से 15 सेकंड के लिए कसकर गले लगाया था। वहीं केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी महारैली का आयोजन कर रही है। इसमें शामिल होने वाले लोगों को गर्मी से बचाने के लिए मैदान में खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोग रामलीला मैदान में एकजुट होंगे। आप संयोजक ने अपील की है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इस महारैली में आप भी शामिल हों। आम आदमी पार्टी की इस महारैली में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल होंगे। आपकी महारैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स की 12 कंपनियां तैनात की गई हैं। रामलीला मैदान में CCTV कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट रविवार को अपने पिता राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व नेता राजेश पायलट की आज पुण्यतिथि है। सचिन पायलट अपने पिता को श्रद्धांजलि देने सुबह 10 बजे आगरा जयपुर हाईवे पर स्थित भंडाना पहुंचे। इसके बाद वो वहाँ से दौसा के गुज्जर छात्रावास गए, जहाँ प्रतिमा अनावरण कर किया। बता दें कि राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें चल रही हैं कि सचिन पायलट अलग पार्टी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केशव वेणुगोपाल ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मैं अफवाहों में विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा कि हम एकजुट होकर राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, यही पार्टी का रुख है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 11 से 13 जून तक होने वाली G20 की बैठक की अध्यक्षता के लिए काशी के दौरे पर हैं। रविवार को जयशंकर ने दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता के आवास पर नाश्ता किया। एस जयशंकर ने कहा कि नाश्ता काफ़ी स्वादिष्ट था। आज से हम वाराणसी में G20 कार्यक्रम कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, अनाज, उर्वरक और बाजरा पर चर्चा होगी। वहीं सुजाता का कहना है कि मेरा पूरा परिवार एक दिन पहले से ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ था। उनकी जैसी हस्ती हमारी घर पर आई, मुझे काफ़ी खुशी है। 4 दिवसीय काशी यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री ने कहा कि G20 की काशी में बैठक होना गर्व की बात है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बाबा की नगरी में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे पर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाया। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के संपर्क अभियान के तहत शाह ने नादेड़ में एक रैली का
रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले साल ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार को नहीं गिराया, बल्कि ठाकरे ने नीतियों से थक चुके शिवसैनिक शरद पवार के नेतृत्व वाली राकंपा के साथ जाने की तैयारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों को ये तय करना है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। शाह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष के रूप में मैंने और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बात की थी, जिसमें ठाकरे सहमत थे कि अगर राजग विजयी हुआ तो फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि परिणाम के बाद ठाकरे ने वादा तोड़ दिया और राकंपा की गोद में बैठ गए। मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है, क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार रविवार तड़के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। वो महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए। डीके शिवकुमार महाकाल भगवान और काल भैरव के भक्त हैं। उन्होंने बताया कि जब खराब समय चल रहा था तब भी मैं महाकाल के दर्शन के लिए 3 बार उज्जैन आ चुका हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व मंदिर और भगवान भारतीय जनता पार्टी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। डीके शिवकुमार 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वो शनिवार रात 8 बजे ही उज्जैन आ गए थे। रात में ही महाकाल मंदिर और काल भैरव मंदिर के दर्शन करने गए। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद तड़के होने वाली महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए। नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया, महाकाल के नाम का जाप किया। उनके साथ विधायक महेश परमार, जीतू पटवारी, शोभा ओझा और कांग्रेस के अन्य नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। महाकाल दर्शन और पूजन के बाद डीके शिवकुमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार का आशीर्वाद हमें कर्नाटक में मिला है। महाकालेश्वर ने हमें कर्नाटक में सरकार के रूप में लोगों की सेवा का अवसर दिया है। मैं यहाँ चुनाव से पहले भी आया था, भगवान से प्रार्थना करने आया हूँ कि मुझे और कर्नाटक सहित भारत को समृद्ध हो देना, सभी खुशी से रहें। आज से हम कर्नाटक में महिलाओं के लिए बसों का किराया भी फ्री कर रहे हैं। जबलपुर में शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के पहली किस्त जारी की। पहली किस्त के तहत प्रदेश के सभी पात्र महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने सभी बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है मेरी बहनों, समय के साथ लाडली बहना योजना की राशि 2,000 से लेकर 3,000 रुपये तक जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं की उम्र को कम करने का ऐलान भी किया। सीएम शिवराज ने मंच से सभी बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होता जाएगा इस योजना की राशि बढ़ती जाएगी। 1,000 रुपये से इसे बढ़ाकर पहले 1,250 और फिर 1,500 रुपये किया जाएगा। इसके बाद 1,750 और 2,000 रुपये किया जाएगा। वो अपनी बहनों के लिए पैसों का इंतजाम करेंगे और राशि को बढ़ाते हुए 2,250, 2,500, 2,750 और फिर 3,000 रुपये तक लेकर जाएंगे। यानी समय के साथ सभी पात्र महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये की राशि आएगी। ये योजना शुरू तो 1,000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1,000 नहीं दूंगा, अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई ने 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए किसी में दम नहीं है। सपा में मुलायम सिंह यादव के समय तक अखाड़े के पहलवान की तरह चुनाव लड़ा जाता था।
जिन पहलवानों में अंतिम तक सियासी कुश्ती जीतने की चाहत रहती थी, अब सपा के पास फाड़े के पहलवान हैं जिनमें दम नहीं है। इसलिए भाजपा गठबंधन यूपी में किसी से मुकाबला नहीं है। हम प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीतेंगे। शनिवार को वो पंचायत भवन में आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान राम ने निषादों को गले लगाया था, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गले लगाने का काम किया है। इसके लिए मछुआ समाज भाजपा के एहसान नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि पहले हमारी बिरादरी को डंडा मिलता था, मत्स्य विभाग की तमाम योजना, हर जिले में निषादों को लाभ मिल रहा है। केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग बन गया, मुरादाबाद में भी मत्स्य विभाग की योजनाओं में लाभार्थियों को सब्सिडी मिल रही है। भाजपा हर जाति वर्ग के साथ लेकर चल रही है। 2014 के लोकसभा निषाद राज भाजपा के साथ आए तो सत्ता मिली, आगामी लोकसभा चुनाव में भी हम साथ हैं, इसलिए भाजपा की जीत तय है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सपाई के पास कुछ नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, सूखे पेड़ में पानी डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मुलायम सिंह के समय में अखाड़े के पहलवान थे, अब सपा में भाड़े के पहलवान ही बचे हैं। सपा सरकार की कानून व्यवस्था के बारे में सभी को पता है, जमीनों पर कब्जा और राशन की दुकानों से महीना लेने का भी ये काम होता है। भाजपा ने जैसे कानून व्यवस्था दी, जनता भाजपा के साथ खड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर पूर्वाचल से शुरुआत की है कल से, क्या कहना चाहते? अब देर हो गया ना, कुछ पेड़ सूख जाए तो एक टैंकर पानी डाल, इससे पता चला कि इससे पहले कोई शुरुआत नहीं। मुलायम सिंह के पास अखाड़े के पहलवान थे, तब समाजवादी पार्टी थी। अब भाड़े के पहलवानों से समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम सफल हो जाए, तो भाड़े के पहलवानों से कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ नहीं होने वाला, ये बटवे निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, ये NDA है, जनता की सरकार जनता के द्वार है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने दीनदयाल सभागार पहुंचकर व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाए जाने के लिए व्यापारियों को साधते दिखे। वहीं उन्होंने पत्रकार से वार्ता करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का अच्छा चेहरा तक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नाम तो लोग अपने बच्चों के भी नहीं रख रहे, तो देश कैसे उन्हें सौंपेंगे। तो नहीं, अभी सीतापुर से अपने चुनाव आगाज की शुरुआत करी है, इस पे उन्होंने ये नैमिषारण्य नगर में गए हुए थे, वहाँ मंदिर में, तो उन्होंने कहा असुरों के हटाने के लिए प्रार्थना करने के लिए आए, सीधा सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी को असुर कहकर संबोधित किया। सीतापुर में उनको श्राप मिलेगा, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई वो सीतापुर से सभा का आगाज कर रहे हैं। 5 साल जब सरकार में थे तो ट्विटर, फेसबुक और शानदार एकांत उनको पसंद था। उत्तर प्रदेश के मशहूर दुधवा टाइगर रिजर्व में पिछले 45 दिनों में 4 बाघों के शव मिल चुके हैं। बाघों के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का दावा किया जाता है, लेकिन लगातार हो रही बाघों की मौतों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई और वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ ही विभागीय मंत्रियों को भी फटकार लगाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्री के नेतृत्व में SIT का गठन कर जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना और वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। और जांच के इस बीच वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि प्राथमिक जांच में कोई लापरवाही नहीं मिली है, लेकिन पूरी जांच में अगर लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाघ का शव मिला है, 45 दिनों में 4 बाघों के शव मिले हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, आज जो शव मिला उसकी पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, सिर्फ उन्होंने ओरली बतला दिया है और उससे महसूस होता है कि उसके किसी दूसरे टाइगर से या किसी और एनिमल से फाइटिंग हुई है और उसके हेड पे इंजरी थी, उसके अलावा उसके पैरों पे भी थोड़ी इंजरी की वजह से हीमटोमा था। पीलीभीत में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं पुलिस तहरीर बदलने और घटनाओं की संशोधन करने में जुटी हुई है।
युवती की गला काटकर हत्या के प्रयास मामले को पुलिस ने महज मामूली मारपीट में एनसीआर में दर्ज कर लिया है। दरअसल मामला सहरा मड़ऊ थाना क्षेत्र के गांव गोविंदपुरी में रहने वाली युवती का है। युवती देर रात घर से बाहर शौच करने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान बड़ी बहन का चचेरा देवर सूरज पीछे से आया और युवती का मुंह दबाकर हसिया से गर्दन को रेत दिया। घायल युवती के चीखने चिल्लाने पर परिजन जाग गए। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने आज घायल युवती को मेडिकल के लिए पुरनपुर सीएससी भेज घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले को मारपीट में तब्दील करते हुए एनसीआर दर्ज की। इस संबंध में जब पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त से बात की गई तो उन्होंने घटना की जानकारी न होने की बात कहकर मामले को टरका दिया। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी, राजकुमारी क्या हुआ आपकी बेटी को? रात में काटे थे, रात में जो अंदर सोई थी, हम आंगन में सोए थे तो इसने कही मम्मी हम बाथरूम करेंगे, तो हमने कहा जाओ कर लो, मान लो गरीब आदमी लॉटरी तो है नहीं, जब यहाँ बंदर गए लेटने बस ये पकड़ के और मुँह बंद कर काट के बाहर चला। बहराइच के थाना दरगाह इलाके के परसौरा गांव निवासिनी बुजुर्ग दलित महिला ने एसडीएम पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत पत्र सौंपा है। उनका आरोप है कि उन्हें कुछ दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। कोर्ट से स्टे जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। उनकी जमीन पर अवध राम लाल जी और बाबा दिन द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत को लेकर वो लगातार थाने के चक्कर काट रही हैं, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने आला अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक देकर मामले में इंसाफ की गुहार लगाई। जिन दबंगों द्वारा बुजुर्ग महिला की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उन दबंगों की जमीन बुजुर्ग महिला मानो रानी की जमीन के पीछे है। आला अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप कर किसी तरह की कार्रवाई करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कागरे वाली हो? पटौरा थाना। अरे दरगाह बहादुरगंज के और गुंडा रोड के बगल में मेरा जमीन है, उस जबरदस्ती कब्जा अवध राम लाल जी पुत्र दौरका लड़का अवध राम लाल जी, वो हमारा जमीन जबरदस्ती कब्जा लिया है, मेरी पट्टक जमीन, मेरा जान नहीं जा रहा है। झांसी रक्षा थाना समाधान दिवस में पहुंचे मंडला आयुक्त आदर्श सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने थाने का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने थाने का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें कंप्यूटर कक्ष, सीसीटीएनएस कक्ष, भोजनालय कार्यालय, पुलिस बैरक देखी, साथ ही उन्होंने साफ सफाई के निर्देश दिए। थाना दिवस में उन्होंने समस्याएं भी सुनी और उनके निस्तारण के आदेश भी दिए। सर आज कहाँ किस संदर्भ में निरीक्षण हुआ? आज महीने का द्वितीय शनिवार है और आज के दिन जो है पूरे प्रदेश में थाना दिवस का आयोजन होता है सभी जगह, और जो भी हमारे फरियादी हैं वो सभी थानों में जाते हैं और वहाँ पे राजस्व और पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही करने का ये प्रयास किया जाता है। तो उसी कड़ी में आज झांसी जनपद में रक्षा थाने पर आए थे हम लोग, यहाँ पे SSP साहब भी थे और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे राजस्व। महाराजगंज के पनियारा थाना क्षेत्र के खैचा गांव में बीते 8 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए युवक की हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक युवक अरुण, जो उसी गांव के एक लड़की से प्रेम संबंध था और बीते 8 तारीख को अपने प्रेमिका से मिलने गया था, जिसको लड़की के घर वालों ने देख लिया, जिसके बाद उसकी पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या आने के बाद पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों के तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर अन्य की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। दिनांक 8 जून 2023 को थाना पनियारा अंतर्गत ग्राम खैचा में एक व्यक्ति की डेथ की सूचना प्राप्त हुई थी थाना को। जब मौके पर जाकर इस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो ये जानकारी मिली कि अरुण नामक एक व्यक्ति है खैचा गांव का, जो उसी गांव की एक लड़की से जिसके प्रेम संबंध थे,
इसी रूप में वो देर रात उसके घर गया था, जहां लड़की के परिवारजनों द्वारा दोनों को देखने के कारण। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण के चलाए जा रहे अभियान के तहत झांसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की करीब 6 करोड़ से अधिक की जमीन को जब्त कर लिया है। शनिवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देशन में सदर तहसील तहसीलदार लेखपाल सीपरी बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक और भारी पुलिस बल ने रक्सा ग्वालियर हाईवे पर स्थित गैंगस्टर अनिल कुमार यादव उर्फ मामा निवासी अखारा पोड़ा मोट की तथा पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 5,78,00,000 की और 1.5 करोड़ की एक अलग अलग गाता संख्या की जमीन को जब्त कर उसे कुर्क करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।